ओके तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी दिवाली के मौके पर आपके लिए लेके आया हूं एक मैं ऐसी वीडियो जिसके अंदर आपको 15,000 से नीचे के प्राइस पे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे जिनकी रैम आपको 6GB तक देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आजकल के जमाने में आपने देखा ही होगा काफी स्मार्टफोन 12GB और 16GB रैम तक पहुंच गए हैं, क्योंकि दोस्तों रैम फोन में काफी मायने रखती है। रैम की वजह से ही फोन, जैसे काफी फोन आपने देखा होगा, कुछ टाइम बाद हैंग करने लग जाते हैं। उनकी एक ही वजह यही होती है कि अगर उनके अंदर रैम कम है तो बैकग्राउंड में जो ज्यादा एप्स वो डाउनलोड कर लेते हैं तो वो रन करने लग जाती है, तो इस वजह से 2GB रैम 4GB रैम है उनके लिए कम पड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए ऐसे 15,000 से नीचे के फोन जिनके अंदर आपको 6GB तक रैम देखने को मिल जाएगी, जिससे आपके कई फायदे होने वाले। जैसे आपको गेमिंग पसंद करते हैं तो आप 6GB रैम में कोई सी भी गेम डाउनलोड करके उसके आराम से उसके खेल सकते हैं, आपका फोन हैंग भी नहीं होगा। और वहीं मल्टीटास्किंग के लिए आपके 6GB रैम काफी जरूरत करती है। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसे कुछ 5 स्मार्टफोन जिसके अंदर आपको 6GB रैम देखने को मिल जाएगी 15,000 से कम की रेंज में। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M21। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम देखने को मिल जाएगी और इसके बैक पैनल पे आपको ट्रिपल शॉट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसकी सेल्फी के लिए आपको 20MP का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। कैमरे के मामले में दोस्तों ये फोन काफी अच्छा है। वहीं इसके अंदर आपको एक 6GB रैम देखने को मिल रही है और इस फोन में आपको एक 6000mAh की एक पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपने फोन को आराम से 2 से 2.5 दिन आराम से यूज कर सकते हैं हैवी यूजिंग में भी। और इसकी कीमत आपको दोस्तों 14,999 रुपये देखने को मिलेगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला स्मार्टफोन में Redmi Note 9। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की कीमत भी आपको 14,499 रुपये देखने को मिलेगी इसके 6GB वेरियंट वाले की। वहीं इसके अंदर आपको एक 5020mAh की एक बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। इसके बैक पैनल पर आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका मेन कैमरा आपको 48MP का देखने को मिलेगा। इस टाइम दिवाली के टाइम पे इसको आप किसी भी ई कॉमर्स साइट पे इससे ऑफर चल रहे हैं वहां पर आप इसको आराम से ले सकते हैं 14,499 रुपये में। हमारी लिस्ट में अगला स्मार्टफोन है Poco M2। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको 10,499 रुपये में 6GB रैम दे रहा है, जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। वहीं इसके अंदर आपको बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। इसका मेन कैमरा आपको 13MP का देखने को मिलेगा और इसके फोन की पावर के लिए इसके अंदर आपको एक 5000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल रही है। तो बढ़ते हैं लिस्ट में आगे। हमारी लिस्ट में अगला स्मार्टफोन होगा Realme 7। स्मार्टफोन में भी आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही है, जिसकी कीमत आपको 14,999 रुपये देखने को मिल रही है। वहीं इसके अंदर आपको एक 5000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी 6.5 इंच के फुल HD+ डिस्प्ले के साथ। हमारी लिस्ट में अगला और आखिरी स्मार्टफोन में Vivo Y20। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में भी आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसकी कीमत आपको 13,990 रुपये देखने को मिल रही है। वहीं इसके अंदर आपको कई कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वहीं इसके बैक पैनल पे आपको ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 13+2+2 का। और इसकी डिस्प्ले आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी HD+। और इसकी कीमत आपको पता ही है 13,990 रुपये। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? दोस्तों, इस स्मार्टफोन में से अगर आप दिवाली पर कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों फ्यूचरिस्टिक फोन है सारे स्मार्टफोन, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको 6GB रैम देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में सारी एप्स अपनी स्टोरेज बढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए दोस्तों ज्यादा रैम लेने वाला स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लिए फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आप बार बार स्मार्टफोन नहीं बदलते हैं, वो मुझे पता है। तो बस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद और हैप्पी दिवाली।